नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। ग्वालियर चलती कार में नाबालिग से गैंगरेप, कांग्रेस विधायक का भतीजा समेत दो गिरफ्तार। किडनैप कर पिलाई बियर, फिर रेप की वारदात को दिया अंजाम। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक नाबालिग से चलती कार में गैंगरेप का मामला सामने आया है। फेसबुक फ्रंट सहित चार आरोपियों ने नाबालिग का अपहरण कर बियर पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में कांग्रेस विधायक का भतीजा भी बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पुरानी छावनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। 21 अक्टूबर की शाम फेसबुक फ्रंट समेत चार आरोपियों ने नाबालिग का अपहरण किया। आरोपियों ने बियर पिलाकर चलती कार में उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम रामू कुशवाहा और सरविंद कुशवाहा है। पुरानी छावनी थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। दो आरोपी अभी भी फरार है। फिलहाल पुलिस दो अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। इंडिया न्यूज 28 के लिए गजेंद्र साहू की रिपोर्ट।